हेलो गाइस, दिस इज कार्तिक पांडे फ्रॉम IIT JEE एंड यू आर वाचिंग न्यू एजुकेशन। गाइस, ये वीडियो मुझे अर्जेंटली इसलिए लाना पड़ा आपके सामने क्योंकि जेई मेंस से कुछ दिन पहले एक अनाउंसमेंट आया था जो कि मेरी नजरों से दूर था। वो मैं अनाउंसमेंट कल ही देखा, इसीलिए मैं उसके ऊपर जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश किया, ठीक है ना, जिससे कि आपको रियलिटी पता चले। जैसे साल ये कॉन्सेप्ट आया है, जिन लोगों ने पेपर बनाया है उन्होंने सर्टिफाई किया है कि भैया जितने भी क्वेश्चंस हैं, मतलब क्या किया गया कि कोर्स को यूनिट वाइज डिवाइड कर दिया गया, जैसे कि फिजिक्स को डिवाइड कर दिया गया मैकेनिक्स यूनिट में, ठीक है ना, ऑप्टिक्स की यूनिट में, मॉडर्न फिजिक्स के एक यूनिट में, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी और वो वाले एक यूनिट में, ठीक है ना, और एक थर्मल की यूनिट में, और हर यूनिट से इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चन आए हैं। अब वो यूनिट कैसे डिवाइड किया है वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो उन्हें पता होगा, लेकिन हर तरह के टॉपिक को इक्वल वेटेज दिया गया और ये एश्योर किया गया है कि पूरा का पूरा कोर्स कवर हो। मतलब आपको ये बात पता होना चाहिए कि 101% कॉन्सेप्ट ये बात है, मतलब ये बात फिक्स है कि भैया एरर, सेमीकंडक्टर, डायमेंशनलेसेस, इन सारे टॉपिक से भी इक्वल वेटेज क्वेश्चन आए हैं। सो ये वीडियो लेने का क्या मतलब, लाने का क्या रीजन था, तो वो रीजन ये था कि अब बच्चा जो आपका सबसे इजी टॉपिक है आप उसे पहले आप प्रिफर करिए। मैं हरदम बोलता था कि सारे टॉपिक कवर करिए, इट्स ओके। मान लीजिए कठिन टॉपिक वाला, मतलब यदि आपका फिजिक्स फेवरेट नहीं है और मान लीजिए फिजिक्स इस तरह लाया तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, फिर फिजिक्स आपसे नहीं बनेगा। लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ कि जो फेवरेट सब्जेक्ट है उसी को करो रे, क्योंकि लास्ट के एक मंथ उसी में जाओ, क्योंकि उसके पीछे रीजन है, आप समझ गए क्या रीजन है। इसलिए अपने फेवरेट सब्जेक्ट को प्रिफर करिए और उसमें भी इजी टॉपिक्स प्रिफर करिए, ना कि रोटेशनल जैसे टॉपिक्स को, क्योंकि पता चल गया कि यूनिट वाइज डिवाइड कर दिया गया है और हर यूनिट से इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चन आए हैं। और ये जेई मेंस की साइट पे नोटिस भी डाला हुआ है, ठीक है ना, तो आप उस नोटिस को जाकर के चेक भी कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा, ठीक है ना। सो गाइस, ये बात याद रखिएगा कि आपको अपने फेवरेट सब्जेक्ट पे फोकस करना है लास्ट के जो रिमेनिंग डेज है, जो 8 तारीख को पेपर होने वाला है और 15-16 को कंप्यूटर मोड में होने वाला है, ठीक है ना। तो कंप्यूटर मोड वालों के लिए तो मान लो 7-8 दिन और मिल जाएंगे, लेकिन ऑफलाइन मोड वालों के लिए 7-8 दिन नहीं मिलेंगे। सो अभी से लग जाओ आप जल्दी से, ठीक है ना। और हाँ, एक बात और, यदि अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब मारो यार। बाय बाय, टेक केयर।